सर, थैंक यू। आपने जो है एक इंटरनेट पैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया, तो इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभारी हूँ सभी सर। और बात करें आज सेशन की, तो वास्तव में इतना गजब 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 का जो सेशन जो है ना, हमें जो मिला, हमें सीखने को मिला जो उन्होंने दिया है आसिफ सर ने, तो बहुत ही काबिले तारीफ था। एक एक लफ्ज जो उनका इस प्रकार से बोला उन्होंने, और वो जो शब्द ऐसे हैं, अगर उनकी जर्नी पे हम जाएं तो पीछे सभी की कुछ ना कुछ जर्नी होती है। और वो अजय सर ने जब कहा था कि एक बार जो टाइम्स में आ जाता है वो टाइम्स का ही रह जाता है और टाइम्स का ही हो जाता है वो, तो वास्तव में उन्होंने जो अपनी जर्नी को बताया कि मैं कहाँ एक एलोपैथिक में था, कहाँ उससे यार पार्ट टाइम करते करते फुल टाइम आया हूँ, और वो दूर दूर नहीं है कि वो अगले साल में ही जो नेक्स्ट जो 24 आ रही है उसमें ही वो गोल्ड लॉन बनेंगे, और 25 तक अगर उनकी यही आस्था रहेगी तो वो डायरेक्टर भी बनेंगे। उनके उत्साह भरे शब्दों से, उनके उत्साह भरा अंदर से, जो टैंसी के लिए उनका जो अपना जो विजन है, जो उन्होंने अपने दिमाग में जो बिठाया हुआ है, वो आज बोल रहा है उनके अंदर से, उनके दिमाग से बोल रहा है, उनकी हर एक एक रूह में से बोल रहा है कि हम टैंसी में, हमारी टैंसी हमें क्या दे रही है। असल में उन्होंने सच बताया कि हम पहले से क्यों नहीं थे, और उन्होंने ये भी बताया कि जो हम बाद में, जैसे हम जैसे लोग जुड़े हुए हैं बाद में, वो हमें इस टैंसी का क्या हम देख पाएंगे, और जिन्होंने उनकी एज है वो बहुत कुछ इसमें देख पाएंगे इस टैंसी का, और बहुत कुछ जो है ना इसमें जो मिला है हेल्थ और वेल्थ, वो उसको ले पाएंगे। तो ऐसा उन्होंने सारे जो बताया है, उन्होंने सभी को एक एक शब्द से कह करके बताया है, हमें उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद जो हमारे पास जो पार्टिसिपेंट है उन्होंने सभी ने सुना उनकी बात को, और बहुत अच्छी तरह सराहा भी है उनकी बात को, और सबने सीखा भी है उनसे। हम चाहते हैं कि ऐसे ही इसी प्रकार से हमारी जो शाम की जो मीटिंग में अपनी जर्नी को कहते हुए एक एक शब्द को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाते हुए आगे चलें, तो हम सभी लीडर्स HT बनेंगे। और अभी जो कहा उन्होंने, और सभी सर हमारे कहते, ये मैं आज भी उनसे कह रहा था कि हम आपके चाइना वाले बंगले में रुकेंगे, तो जरूर रुकेंगे, ऐसा बहुत जल्दी सपना है जो हम पूरा करें सभी जो मिलके सभी सर के साथ जो है ना, और चलें कंधे से कंधा मिलाए के हम लोग, और अपना जो उनके आशीर्वाद को लेते हुए हम आगे बढ़े। तो ये आज का जो सेशन था बहुत सुपर 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 था, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अजय सर से, क्योंकि हम अजय सर की वजह से लगे हुए हम पैनल को समाप्त नहीं कर सकते उनके बगैर आशीर्वाद के। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमारी रात बहुत सुकून से कटेगी, और अगले दिन का सुबह भी हमारा बहुत अच्छा क्या कहते निकलेगा। तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अजय सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें आशीर्वाद दें, उसके बाद मीटिंग को समाप्त किया जाए, वेलकम सर, और अब मैं वेलकम, लेके मोर्नी हमारे वेलकम, गुरु जी का जो है ना आशीर्वाद सभी सर का लेके। थैंक यू सर, तो मुझे वेलकम सर, आपने वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम, थैंक मौका दिया सभी सर आपने बोलने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू यू, वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच के पी यादव थैंक सर, आपके प्रेम भरे आमंत्रण के लिए, और धन्यवाद करता हूँ कोमल मैडम का। मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग, वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। कोमल मैडम एक बहुत अच्छी लीडर हैं, अपकमिंग स्टार एट, और जबरदस्त तरीके से वो बिजनेस करती हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम को ग्रोथ कर रही हैं, और बहुत अच्छी लीडर हैं मैम, और बहुत अच्छी तरह उन्होंने आज की होस्टिंग को कंट्रोल किया है, और बहुत अच्छी तरह सबको निमंत्रण दिया। थैंक यू सो मच कोमल मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी होस्टिंग के लिए, और धन्यवाद करता हूँ ग्रेट लीडर डॉक्टर आसिफ अली का एक जबरदस्त वाइब्रेंट सेशन लेने के लिए। हमारे मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, हमारे ब्रेन की सेल्स वो झनकृत हो गई, और जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल जैसे पैरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें ले गए, वो जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैंने सफी सर को अपने अंदर उतारा, तो ये जो चीज थी ये बिल्कुल ऐसी थी कि मजा आ गया। और क्योंकि वाकई में होता है ऐसा, जो जो
अल्लाह का रूह है, जो खुदा की जो रूह है, जो परमेश्वर की आत्मा है, वो हम सब के अंदर है, हम सब के अंदर आत्मा है, यानी परम आत्मा का अंश, और ये आत्मा छटपटाती रहती है परम आत्मा से मिलने के लिए, क्योंकि वो उसी में से निकली हुई हकीकत है, तो जब तक वो उसके संग नहीं मिल जाएगी उसको बेचैनी, और आदमी पूरे जीवन ही समझ नहीं पाता मुझे बेचैनी किस बात की है, क्योंकि शरीर को तो दो चीजों की आवश्यकता है, रोटी और कपड़ा, वो से मिल जाता, लेकिन फिर भी बेचैनी है, फिर भी संतुष्टि नहीं है, तो वो आत्मा है जो हमारे शरीर में पाई जाती है, और जब परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है तो वो संतुष्ट हो जाती है। तो आज उस वर्ल्ड में सर हमें ले गए, और बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि मैं जब सफी सर को अपने अंदर उतार लेता हूँ तब मैं फिर धुआं धाड़ कुछ भी बोल पाता हूँ, बिल्कुल उनको मैं कॉपी कर पाता हूँ। तो ये जो चीज उन्होंने कही ये वाकई में बहुत ही मतलब सोचने लायक चीज है, और यानी कॉपी करने का डुप्लीकेशन का एक अनोखा उन्होंने आज उदाहरण दिया है, और मैं इस पे थोड़ा जरूर इसको मंथन करूंगा इस पे कि जो उन्होंने कहा है ये वाकई में बहुत ही सोचने लायक, बहुत जबरदस्त एक रिसर्च का विषय भी है। हालांकि हम उस पैरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे, और मैं बस यही कहूंगा कि सर ये सर का, मेडिटेशन में आता होगा सर, ये तो हाँ बिल्कुल होता है ये तो सर, मेडिटेशन बिल्कुल में होता आता है, है। हाँ और बिल्कुल होता है, और बहुत गहराई है इस वर्ल्ड में, इस संसार में बहुत गहराई है। तो आसिफ सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया, थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ टू यू सर, आसिफ सर, आपके जबरदस्त वाइब्रेंट सेशन के लिए, और आत्मा को छुआ उस सेशन ने, ये मैंने महसूस किया, और मैंने सबके सब की शेयरिंग भी सुनी है, सारे शब्दों को मैंने अपने अंदर उतारा है, थैंक यू वेरी मच सर, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ओवर टू कोमल मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर आपकी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आपकी शेयरिंग। तो सर हम हमारे सफी सर का आशीर्वाद लेना चाहेंगे, सर आप कुछ शब्द यहाँ पर रखें और हमें आशीर्वाद दें और कुछ गाइडलाइंस हमें, तो वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग थैंक यू सर, वेरी मच कोमल जी सर मैम, वेलकम, आपने गुड मुझे मॉर्निंग, इनवाइट किया, थैंक यू सर, थैंक यू नवीस सर, थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारे साथ 5 लीडर्स के वीडियो ऑन है, बाकी सबके बंद हो चुके और मोबाइल भी बंद हो चुके, समीर साहब का ऑन हो गया, अभिजीत सर का ऑन हो गया, 7 लोगों के नए समय वीडियो, और आज का सेशन वाकई में बहुत वंडरफुल था, अमेजिंग था, कोमल मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा मैंने सोचा था उससे 10 गुना ज्यादा, मतलब पीछे का बैकग्राउंड काफी अच्छा उनका जो है, और उनका ड्रेस बहुत अच्छा है, तो यही चीजें हैं कि जब हम प्रोफेशनल बिजनेस में हैं तो प्रोफेशनल तरीके से हमें सेशंस को लेना है, और ऐसा ही नहीं है कि वह जल्दी में और इस तरीके से इस तो कहीं पे बैठ के पौनी टेक के या इस तरीके से करना है, बिल्कुल हमारा जो है फेज जो है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम अच्छा सा बिजनेस कर पाए और लोग हमारे साथ जुड़ पाए। तो बहुत शानदार आपकी होस्टिंग रही, और आसिफ सर का तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही हम्बल हैं और बहुत ही ईमानदार हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट भी करते हैं, मतलब मेरे से भी ज़्यादा करते हैं, मैं बताता हूँ, मैं तो करता हूँ लेकिन मेरे से भी ज़्यादा करते हैं, मुजाहिद सर हैं, आसिफ सर हैं, जितने भी लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं हमारे जो है जो सिस्टम में बने रहते हैं, हमारे अजय सर हैं, KP यादव जी हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर देते हैं, और उस सपोर्ट की वजह से कुछ गलत गलत परिणाम भी आते हैं, और हमें उतना ही सपोर्ट करना है जितना के लोगों को हजम हो सके, जैसा कि बताया गया है सिस्टम में जो है कि अगर आप अपनी टीम को कुछ देना चाहते हैं तो अपने पे आउट्स को बड़ा करके दिखा दें उनको जो है, वो उनके सबसे बड़ी सपोर्ट होगी, ये सबसे बड़ी सपोर्ट है इसके अंदर जो है कि आप अपने पे आउट को बढ़ा के दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पे आउट आपका तभी बढ़ सकता है तब आपकी अपनी टीम का पे आउट बढ़ा सकेंगे, बिना टीम के पे आउट को बढ़ाए आप अपना पे आउट नहीं बढ़ा सकते जो है, ये सिस्टम की मजबूरी है, तो ये सबसे बड़ी हेल्प है कि आप अपने पे आउट को बढ़ाएं जिससे कि वो मोटिवेट होंगे आपके पे आउट देख करके, और वो लगातार आपसे, आज हमारे जो गुरु मेंटर हैं हमारे जो है हिंदुस्तान की धड़कन
और अरविंद कुमार पांडे जी जो है उनके पेआउट्स को देख देख करके, उनकी लाइफस्टाइल को देख देख करके, और उनके 10-10 साल पुराने, 15-15 साल पुराने लोग जो है आज उनसे जुड़ रहे हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं आज उनके साथ जो है। तो वही वजह है कि आप जब लगातार अपने जो आपके रिलेशन है उसको बनाते रहेंगे और फॉलोअप करते रहेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे, तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। बस आप लगे रहें लगातार लगन से और सिस्टम के साथ पूरे फॉलो करके। तो थैंक यू वेरी मच, आसिफ सर का सेशन बहुत ही शानदार था, अमेजिंग था, वंडरफुल था। मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है, मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ, आप सब शानदार लोगों के बीच में, और डेली कुछ ना कुछ सीखता हूँ। हमारे देखो अवनीश सर मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे करके जो है, तो वही चीजें हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है, आप सबके पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है जो मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास भी वो चीजें होती, अजय सर वाली क्वालिटी होती, अविनी सर जी की जो क्वालिटी वो मेरे अंदर होती, या और जो लीडरशिप के अंदर क्वालिटी है वो मेरे अंदर होती, तो मैं और बहुत बेहतर कर पाता। तो हर इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाई होती है और कुछ छोटी 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 बुराई भी होती है, तो हमें अपनी उन बुराइयों को निकालना है और अच्छाइयों की तरफ जाना है। आज संसार में आप देख रहे हैं, आप जो है YouTube पर आप देख रहे हैं, TV पे आप देख रहे हैं कि मनुष्य ही मनुष्य का जो है आज जो है दुश्मन बन गया है, किसी देशों में कहीं पर भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, हमें उनको फोकस नहीं करना, हमें अपनी अच्छाइयों को जो है दिखाना है और अपना बहुत बहुत बड़ा और बहुत अच्छा ग्रुप बनाना है, जिससे हम ये जो बुराइयां हो रही हैं उनको मिटा सकें। आज बच्चों की बहुत, जो बच्चों को आज ऐसा मतलब हो रहा है बच्चों के साथ भी, औरतों के साथ भी, और तो ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत मतलब जो है मतलब रुलाने वाली चीजें हैं जो है। आज हम हिंदुस्तान के अंदर इतने सुकून के साथ बैठे हुए हैं, सबके साथ बैठे हुए हैं और खाना खाते हैं, बैठते हैं, बड़ा बड़ा मतलब अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो गॉड का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया है कि हम सब लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं और मिलकर के कर रहे हैं, और दिखाएंगे हम दुनिया को कि हिंदुस्तान में किस तरीके से रहा जाता है, किस तरीके से जिया जाता है, किस तरीके से प्यार बांटा जाता है, वो हम करके दिखाएंगे। और ऐसे ऐसे लोग हमारे सब साथ में, थैंक यू वेरी मच और थैंक यू। तो अवनीश सर भी कुछ कहना चाहते हैं, अवनीश सर अपने माइक को एडमिट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम, उसके बाद हम एंड करेंगे। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। आप इतने सरल शब्दों में सर सेंटेंसेस को बोल देते हैं, आपकी ये जो ग्रेट क्वालिटी है सर, आपको जो डायरेक्ट सेलिंग से सर आपने जो सीखा है गुरु जी, यही तो सभी को लाइन में लगाए रखता है। और आज सर रियली कमल मैडम का होस्टिंग बहुत अच्छा था, और सेशन की बात करें तो सर जो आपने जो नायाब हीरे बना दिए है, और आप तो औरों की तारीफ करते करते सर ऐसी तारीफ कर जाते हैं कि तारीफ करने वाले आपके पीछे चलने लगते हैं। तो डेफिनेटली सर आज सर ने जो सेशन दिया है कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ सफी सर की आत्मा को अपने अंदर फील करके कहता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा सेंटेंस कहा है, और आप जैसे गुरु साथ में रहेंगे, आशीर्वाद रहता है तो बहुत बड़ा काम होगा सर। जो आपने सपना देखा है वो सपना अवश्य पूरा होगा, वो 100% वो सपने को पूरा करने के लिए पूरी टीम तत्पर है सर। थैंक यू सर, बड़ी मुस्कुराहट के साथ जो सेंटेंस आप कह जाते हैं सर, वो दिल में जगह बना जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और लीडर्स और